हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ राहुल फ्रॉम लखनऊ। वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। कैसे हैं दोस्तों आप सभी लोग? दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो रेड बटन दबा के चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो मैं अपडेट करूं उसका नोटिफिकेशन आपको हर दिन मिल सके। और आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं, लर्निंग टू ड्राइव ऑफिशियल के नाम से। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहाँ पर मैं रील्स वगैरह अपडेट करता हूँ, छोटी छोटी टिप्स बताता हूँ। आप मुझे फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, लर्निंग टू ड्राइव ऑफिशियल के नाम से। उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और मेरे साथ मेरी स्टूडेंट है। हेलो मैडम, क्या नाम है आपका? नौशीना। नौशीना जी, आज क्या सीखने वाली हैं और क्या सीखा है अभी तक आपने? कुछ बचा नहीं है। तो आज मैं आपको थोड़ा सा गलियों में कार को टर्न करना सिखाने वाला हूँ। ठीक है, यहीं से राइट का सिग्नल दीजिए, यहीं से कार राइट टर्न करना है। हाँ, टर्निंग के टाइम गियर डाउन करना होता है, थोड़ा सा आगे जाके। अब यहाँ पे आधा रोड क्रॉस करके अभी नहीं टर्न करो, थोड़ा और आगे चली जाओ, और आगे जाके, और थोड़ा और आगे जाके आप टर्न करो। हमारी साइड हमेशा लेफ्ट होती ना कि राइट होती। आप पता क्या करते हो, आप राइट दबा के टर्न करने लगते हो। अब यहाँ पे पूरा क्लच दबाने की कोई जरूरत ही नहीं थी मैडम, आपने पूरा क्लच दबाया जिसकी वजह से गाड़ी आपकी रुक गई। फुल क्लच दो ही कंडीशन में दबाना होता है, एक गियर बदलते वक्त, दूसरा गाड़ी को प्रॉपरली स्टॉप करने के लिए। ठीक है, आपने क्या करा, कार को टर्न करते वक्त भी आपने पूरा क्लच ले लिया और ब्रेक ज्यादा ले लिया, जिसकी वजह से आपकी कार रुक गई, इंजन बंद होने की कंडीशन में आ गया था। अभी यहां से हमें राइट टर्न करना है, आधा रोड क्रॉस करने के बाद आपको टर्न करना है। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, अपना राइट ही दबा के टर्न कर देते हैं, जो राइट साइड से गाड़ियां आती है वो टकरा जाती है। हमेशा अपना लेफ्ट दबा के टर्न करना है। इस रोड पे जो व्हाइट पट्टी बनी हुई है, ये आधा रोड हमारा और आधा अपोजिट वाले का, समझ गए? ये जो व्हाइट पट्टी दिख रही है, इसके लेफ्ट साइड वाला एरिया हमारा है और राइट साइड वाला एरिया अपोजिट से जो गाड़ियां आती हैं। गियर बदलते वक्त राइट वाला पैर आपका ब्रेक पे होना कंपलसरी है, गियर बदलते वक्त फुल क्लच दबाना कंपलसरी है, यहीं से लेफ्ट लेना है। सिग्नल दीजिए लेफ्ट का। हाँ, अब यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक लीजिए, क्योंकि सेकंड गियर में आप 30 पहुंच गई थी। हाँ, अब हाफ क्लच को रिलीज करिए ताकि कार वापस आपकी गियर में एक्टिव हो जाए। अगर फुल क्लच आप ज्यादा देर तक दबा के रखेंगी तो कार का इंजन बुझ जाएगा, मतलब रुक जाएगी गाड़ी। एक चीज का हमेशा ध्यान दीजिएगा, फुल क्लच और हाफ क्लच कब दबाना, क्यों दबाना, कैसे दबाना, यहीं से लेफ्ट लेना है। फुल क्लच लेके हाफ ब्रेक लो, गाड़ी की स्पीड 20 माइनस लेके आओ। हाँ, जाने दो। और उसके बाद आपको जब आधी गाड़ी आपकी कट जाए तो आपको हाफ क्लच रिलीज भी करना, नहीं तो गाड़ी आपकी एकदम रुक जाएगी। तो फिर जब क्लच छोड़ोगे तो इंजन बुझ जाएगा, गाड़ी धीरे धीरे थोड़ा सा मोमेंटम में रहनी चाहिए। और आप क्लच ज्यादा दबा लेती है और क्लच को रिलीज करने में थोड़ा समय लगा देती है, जिसकी वजह से आपकी कार प्रॉपरली खड़ी हो जाती है। हमें कार को खड़ा नहीं करना है, हमें धीरे धीरे उसको मूव करने देना है। अगर हम सेकंड गियर में भी मूव कर रहे हैं तो वहां पे 50% क्लच दबा के रखेंगे, 50 को रिलीज रखेंगे, गाड़ी हमारी गियर में एक्टिव रहेगी। राइट का सिग्नल दीजिए, यहाँ से राइट चलना है। अभी मैंने आपको बताया ना, यहाँ पे पूरा आगे जाके तब टर्न करना है, हमेशा अपना लेफ्ट दबा के ना कि राइट दबा के। गुड, टर्न करो, वेरी गुड। अब सीधी करो फुर्ती से। अब राइट में आपने इतनी जगह छोड़ दी कि अगर सामने से तो कोई फोर व्हीलर आती तो वो आसानी से निकल सकता था, लेकिन ये मैडम तभी पॉसिबल है जब आप टर्निंग पे अपना लेफ्ट दबा के टर्न करोगे, लेफ्ट ही लेके आओगे और लेफ्ट ही दबा के जाओगे, तो उससे स्पेस राइट में बहुत अच्छा खासा मिल जाता है, जिसकी वजह से सामने से आने वाली गाड़ियों को हमारी वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अभी यहां से हमें राइट टर्न करना है, थोड़ा आगे जाके। अब टर्न करो, क्लच को रिलीज करो। क्लच आप बहुत देर तक दबाए रहती मैडम, बहुत देर तक नहीं दबाना होता है, 2 से 3 सेकंड, 4 सेकंड बस। अब जब फुल क्लच आप दबा के रखोगे और एक्सीलेटर भी नहीं ले रहे हो तो गाड़ी का वजन, हम लोग का वजन, धीरे धीरे कार का इंजन फ्री होता है और गाड़ी जो घूम रही होती है, जो मोमेंटम होता है वो धीरे धीरे कम होने लगता है, और स्लोपिंग पे तो और जल्दी कम हो जाता है क्योंकि वहां पे चढ़ाई होती है। स्पीड ब्रेकर आ रहा है, स्पीड ब्रेकर पे कैसे निकालेंगे कार आप? क्लच दबा के ब्रेक, हल्का हाफ क्लच लेके हल्का सा ब्रेक लेके। हाँ, अब देखो सामने टर्निंग आ रहा है, मेन रोड आ रहा है, तो मेन रोड पे हमें बहुत पहले से प्लानिंग करनी होती है। अभी आप लेफ्ट का सिग्नल दो, राइट वाला फाइनली पैर ब्रेक पे ले आओ, कुछ नहीं करना है, सिर्फ राइट वाला पैर ब्रेक पे ले आओ। ठीक है, जब मैं बोलूंगा तो फुल क्लच दबा लेना, अब ये ध्यान देना, अब आप फुल क्लच दबा लो, ब्रेक नहीं लेना है, चलने दो अभी गाड़ी। अब एक राउंड लेफ्ट घुमा दो पूरा, एक राउंड। अब हाफ क्लच छोड़ दो, गाड़ी कितनी स्मूथ टर्न हुई,
जरा सा भी डिसबैलेंस हुआ, गाड़ी में जरा सा जर्क आया, क्योंकि टाइमली मैंने क्लच दबवा दिया और टाइमली क्लच को रिलीज भी करवा दिया। आप क्या करते हो, क्लच दबा लेते हो बहुत पहले, उसके बाद बहुत देर तक क्लच दबाए रहते हो, यहीं से लेफ्ट लेना, पूरा क्लच दबाओ, हल्का सा ब्रेक लो, सिग्नल, हाँ हाफ क्लच छोड़ो, ज्यादा आगे चली गई, इतना एरिया निकलते, इतना हिस्सा जैसे निकल जाए लेफ्ट वाला ओआरबीएम, उसके बाद आपको एक राउंड फटाफट घुमा देना है, एक राउंड स्टीयरिंग का फटाफट घुमा देना है, तो वो उसी हिसाब से आपकी गाड़ी कटेगी जिस हिसाब से आपको काटना था। अभी राइट का सिग्नल दीजिए और देखो सामने स्पीड ब्रेकर आ रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा स्पीड कम करना है, उसके लिए आपको क्या करना है, 50% क्लच और 20% ब्रेक, बहुत ज्यादा क्लच और ब्रेक लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, अब यहां से हमें राइट जाना है, इसी गली में थोड़ा और आगे जाके टर्न करना है। हाँ, अब टर्न करो, अपना लेफ्ट ही रखो, और एक चीज का हमेशा ध्यान दीजिएगा, टर्निंग पे कभी भी आपका राइट वाला पैर एक्सीलेटर पे नहीं होना चाहिए, अगर गलती से भी आपने एक्सीलेटर पे रख रखा, यहीं से राइट लेना है, पहला राइट, फुल क्लच सिर्फ 10 मीटर पहले दबाना होता है। अब देखो यहाँ पे आपने ब्रेक नहीं लिया जिसकी वजह से स्पीड ज्यादा थी, मैडम मैंने क्या कहा है 50% क्लच और 20% ब्रेक, यहाँ पे आपने 100% क्लच दबा लिया था तो इंजन पूरी तरीके से फ्री हो गया था, 50% क्लच पे इंजन 50% एक्टिव रहता है तो उसकी जो स्पीड है तो उससे ज्यादा वो स्पीड नहीं होने देगा, ठीक है। अभी यहाँ से मैं लेफ्ट चलना है, ब्रेक पे पैर रखो, हाँ अभी नहीं दबाना जब मैं बोलूंगा, लॉन्ग हॉर्न पुश करो, आप पूरा क्लच दबाओ, हल्का सा ब्रेक लो, खतरा राइट से है, हल्का सा ब्रेक, ज्यादा ले लिया आपने, हाफ क्लच छोड़ो। अब देखो गाड़ी आपकी इस बार बंद होने की कंडीशन में आई, क्योंकि क्लच आपने बहुत देर तक दबा रखा है, क्लच ज्यादा देर तक दबा के रखा था, इस वजह से गाड़ी आपकी रुक गई। यहीं से अभी फिर लेफ्ट लेना है, आगे से 100 मीटर आगे चल के, सीधा सीधा चलाना बहुत आसान होता है, सबसे ज्यादा टफ होता है कार को टर्न करना, स्पीड कम करो, 10 माइनस लेके आओ और स्पीड कम करो, हाँ यहीं से टर्न करना है, बट स्पीड अभी भी ज्यादा ही है, अभी भी ज्यादा ही थी आपके हिसाब से, ज्यादा थी। रोड से नीचे मत उतारिएगा गाड़ी। अभी आप कौन से गियर में चल रही हैं? हाँ अब बताओ, छू के देखने की जरूरत पड़ी, सेकंड गियर है मैडम, थर्ड गियर अप लगता ऊपर को, अभी फुल क्लच दबा लीजिए आप और ब्रेक मत लीजिएगा। अभी कार आपकी 20+ चल रही थी, कितनी स्पीड में चल रही थी, 20 से ऊपर, 25, अब आपने फुल क्लच दबाया, क्लच छोड़िएगा नहीं जब तक मैं बोलूँ ना, और ब्रेक भी मत दबाइएगा। अब यहाँ से हमें राइट जाना है, सिग्नल दीजिए राइट का, अब ब्रेक मत लीजिएगा जरा सा भी, हॉर्न दीजिए, अब क्लच को रिलीज करो। कुछ समझ में आया आपको? क्या समझ में आया? गाड़ी चढ़ गई, हल्का सा घूम हो गया। तो हर जगह ब्रेक लगाने की जरूरत नहीं होती और हर जगह एक्सीलेटर देने की जरूरत नहीं होती, जो हमारी कार में मोमेंटम होता उसी में कार हमारी चल जाती है, उसके लिए आपको नॉलेज होना बहुत जरूरी है। यहीं से लेफ्ट जाना है, देखो कहाँ कुदा दिया आपने, देखा एक सेकंड के लिए बस मैंने आपको नहीं बताया, देखो कितना बड़ा गड्ढा था, चैम्बर था पूरा, ऐसे में टायर भी खराब हो जाता है, सस्पेंशन भी खराब हो जाता है, कैंची भी चली जाती है। यहीं से लेफ्ट लेना, स्लो 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 स्लो, हाँ स्लो और स्लो, हाँ जाने दो, आगे बुध बाजार है, वहां फंस जाओगे जाके। ऐसे जो आपने अभी इतने बड़े गड्ढे में गाड़ी कुदाई तो आपने लेफ्ट में क्यों नहीं देखा था? मैंने कितनी बार ये बात आपको बोली कि जब भी आप लेफ्ट या राइट टर्न करो तो वहां पे अपनी लेफ्ट और राइट वाले ओआरबीएम को रोड पे पहले से हमें प्लान करना होता है, यहीं से राइट जाना है, समझ रहे हैं आप? हमें पहले से प्लान करना होता है, स्पीड बहुत ज्यादा थी टर्निंग के हिसाब से। आप पता है क्या करती, क्लच से इंजन ज्यादा देर तक फ्री कर देती है। अगर आप ढलान पे अपनी गाड़ी को नीचे उतार रही, बहुत ऊंची ढलान है मतलब नीचे, तो वहां पे क्या करेंगी, हाफ क्लच लेके ब्रेक लेंगी या फुल क्लच लेके? हाँ, तो अभी ये फुल क्लच यहाँ पे जो ले रहे हो, उसके बाद उसको टाइमली रिलीज भी तो करना है, अगर आप रिलीज नहीं करेंगे तो कैसे बात बनेगी?
लेफ्ट का सिग्नल दो ऊपर को, स्पीड और कम करो। देखो टर्निंग पे अगर आपकी कार स्लो है तो आपके पास ऑप्शन है, अगर आपकी कार फास्ट है तो ऑप्शन नहीं है। तो हर चीज स्लो में ज्यादा इजी आप संभाल पाओगे, फास्ट के चक्कर में टकरा दोगे, दिक्कत हो जाएगी। सो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और छोटी छोटी जो बारीकियां मैं बताता हूँ उस पर ध्यान दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।